गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स मी डिंपल शर्मा। वेलकम टू द माय क्लासेस रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट केजी, क्लास है केजी सेकंड। जिसमें है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर है आपका 21, लोकेशन पोजीशन। ठीक है, इसमें ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट एंड बिसाइड का यूज हो रहा है। जिसमें ऑन, ओ एन, ऑन मीन्स ऊपर, आई एन मीन्स मैं या नीचे, मैं होता है अंदर। ठीक है, अंडर, यू एन डी आर अंडर। ध्यान से सुनना है स्पेलिंग, जिससे आपको स्पेलिंग समझ में आएगी। जब भी आप उनका यूज कर पाओगे कि आपको ये स्पेलिंग्स कहां पर यूज करना है। ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, अंडर मीन्स नीचे, यू एन डी आर अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, वी ई एच आई एन बिहाइंड मीन्स पीछे, और इन फ्रंट मीन्स सामने, इन फ्रंट मीन्स सामने। ठीक है, अब इन फ्रंट की स्पेलिंग है आई एन एफ आर यू एन टी, इन फ्रंट, इन फ्रंट मीन्स सामने। अब इसमें आप पहला पिक्चर देखेंगे, लुक एंड रीड, देखिए और पढ़िए, देखिए और पढ़िए। अब ये ऊपर फैन बना हुआ है, फैन मीन्स होता है पंखा, पंखे की पिक्चर बनी हुई है। उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, रेड, फैन के ऊपर रेड बैठा हुआ है। द रेड इज ऑन द फैन, चूहा फैन के ऊपर बैठा है, इसलिए हमने यहाँ ऑन, ओ एन का यूज किया है। मैंने पहले ही बताया ओ एन का मतलब होता है ऊपर, तो इसमें द रेड इज ऑन द फैन, चूहा पंखे के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि आपको भी दिख रहा है, तो इसमें हमने ओ एन लगाया है। फिर सेकंड पिक्चर में है द डॉग इज इन द टब। अब आप पिक्चर में भी देखिए डॉग कहाँ बैठा हुआ है, टब के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए अंदर मैंने आपको बताया था आई एन, इन मीन्स होता है अंदर, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ये आई एन का यूज किया है, क्योंकि डॉग टब के अंदर बैठा हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं थर्ड है ये, द पॉट इज अंडर द टेबल, द पॉट इज अंडर द टेबल। पॉट का मतलब होता है प्यूटी, पॉट मीन्स बर्तन, कोई भी बर्तन, घड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। अंडर मीन्स होता है नीचे, यू एन डी आर अंडर, अंडर मीन्स नीचे, और ये है टेबल। ये पॉट किसके नीचे रखा हुआ है, टेबल के नीचे रखा हुआ है, इसलिए नीचे, पॉट आपको दिख रहा है टेबल के नीचे रखा है, तो अंडर मीन्स नीचे होता है, इसलिए इसमें अंडर का यूज किया है। द बॉय इज बिहाइंड द डोर। अब ये नेक्स्ट इधर देखिए आप, टेबल के नेक्स्ट वाली पिक्चर देखेंगे आप, द बॉय इज बिहाइंड द डोर। ठीक है, द बॉय इज बिहाइंड द डोर। ये जो बॉय है वो गेट के पीछे खड़ा हुआ है। अब है द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बेड, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बेड। इसमें कैट किसके सामने बैठी हुई है, बेड मीन्स पलंग के सामने बैठी हुई है। द डॉग इज बिसाइड द लॉग, ये डॉग है जो एक पाइप है, पोल है, उसके साइड में बैठा हुआ है। आपको स्पेलिंग अच्छे से याद करना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा, ये आपको समझना भी है और स्पेलिंग लर्न करना। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे